नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा से। शहर में चल रहे खुदाई और निर्माण कार्य से जनता खासा परेशान है। आए दिन विपक्षी जनप्रतिनिधियों ने भी चल रहे निर्माण कार्य पर समय समय पर उंगली उठाई है। शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से भ्रष्टाचार की पोल खुली तो विपक्षी पार्षद विधायक पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से द्वेषपूर्ण राजनीति कर हमारे वार्ड में विकास हुआ है, ऐसा ही विकास पूरे शहर में हो तभी जनता विधायक को जवाब देगी। दरअसल मामला नेहरू नगर का है, जहां नाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के आरोप निर्वर्तमान पार्षद ने लगाया है। शहर के विकास को लेकर वार्ड नंबर 13 की निर्वर्तमान पार्षद नम्रता सिंह ने रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के ऊपर जमकर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि आज सुबह नेहरू नगर मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने नव निर्मित पुलिया में एक ट्रक फंस गया, जिससे सड़क में एक लंबा जाम लग गया। लोगों का आवागमन बाधित होने पर एक जनाक्रोश स्वाभाविक हो जाता है। लोगों की आवाज सुनकर निवर्तमान पार्षद नम्रता सिंह भी मौके पर पहुंची और आम जनता के बीच रीवा के खोखले विकास पर स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला को जमकर खरी खोटी सुनाई। मीडिया के सामने ही उन्होंने राजेंद्र शुक्ला को भ्रष्टाचारियों का आका कहते हुए भ्रष्टाचार की बहुत बहुत बधाई दी। निवर्तमान पार्षद नम्रता सिंह ने कहा, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी का भ्रष्टाचार का उनका अंदाज निराला है। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले और अपने आप को विकास पुरुष कहलाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के काम में ही भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जनता इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है और पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले समय में इन सब बातों का माकूल जवाब भी देगी। आइए सुनाते हैं निर्वर्तमान पार्षद नम्रता सिंह ने क्या कहा। बाढ़ में नाले का निर्माण चल रहा है, क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण है चल रहा है, क्या इसकी पूरी सच्चाई है, क्या है, बताएं। हमारे वार्ड में ये नाला का निर्माण, हम शुरू में जब धरना दिए, हमारे वार्ड की समस्या बहुत बिकट समस्या थी। हर वर्ष थोड़े से ही जल वर्षा में जल भराव हो जाता था, लोग परेशान रहते थे। तब हम इन्हें सेवन जाम किए और हमारा नाला बनने का निर्णय आया। निर्णय हमने लिया था दिनेश पार्क से सीधे महापौर के सामने से होते हुए फ्लाई ओवर जो नया बना है उसके नीचे से संदरिया के सामने से नाला में क्रॉस आउट हो जाए। लेकिन विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने जो हमने पास किया उसको मतलब उसको अपने हिसाब से बनाए, क्योंकि उसमें हमारा श्रेय था। तो उन्होंने ये सोचा कि इसका श्रेय ना होके उस नाला को उनने ड्राइंग लाइन चेंज कर दी। और ड्राइंग लाइन चेंज करने के बाद 1,47,00,000 का नाला पास हुआ। 1,47,00,000 का नाला, आप सोचिए कि 47,00,000 का भी उसमें पैसे नहीं लगे हुए हैं, मतलब 47,00,000 भी नहीं उसमें लगे हुए हैं। इतना घटिया निर्माण है उसमें कि अब मैं क्या कहूँ। यहाँ की नेहरू नगर की जनता उसको अच्छी तरह से जानती है। अभी लगभग 26 और 27 को अभी हमारे वार्ड में आए थे, हमारे कार्यकाल 5 साल बीतने के बाद पहली बार राजेंद्र शुक्ला जी हमारे वार्ड में भूमि पूजन नाली का, वो भी 20 फीट। हमने उनसे कहा कि ये शर्म की बात है, आपने 20 फुट नाली के लिए आप भूमि पूजन करने आए हैं। अब वो भी नाली का जो निकासी है, लाइनिंग है, उसको भी इस बार भी चेंज कर दिया उन्होंने। 20 फुट की नाली को भी उनने चेंज कर दिया, दुर्गा पार्क में ला के मिला दिए। हम क्या लिखे थे, हमारा क्या एजेंडा था, हमारा क्या पास करने का एक लेटर था कि आप शेषमणि शुक्ला जी के घर के सामने से खत्री के घर जो मिश्रा पेट्रोल पंप के नाला है तो वहाँ जाके आप कन्वर्ट कर दीजिए उसको। लेकिन उसको नहीं किए, वो नाला को चेंज करने के लिए फिर आए थे भूमि पूजन। मैंने वहाँ भी ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर इस बार हमारे दुर्गा पार्क की तरफ आपकी नाली का ड्राइंग लाइन आती है तो मैं नहीं बनने दूंगी। तो उन्होंने इस बात पे, हमारे इस बात पे उन्होंने इस नाला के लिए कहा कि आप जनता से रूबरू होके सामने, कम से कम 100-150 जनता बैठी थी उसके सामने, इन्होंने क्या कहा कि हम जो चाह लेते हैं वो हम कर देते हैं। मंत्री जी का ये, राजेंद्र शुक्ला जी के ये शब्द थे, जो हम चाह लेते हैं वो कर देते, यानी कि खुले आम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ना और कमीशन खाना जनता के सामने ऐलानिया उन्होंने कहा। तो
इस बात को लेके सभी ने तालियां भी बजाई, लेकिन हम विरोध किए कि आपने नाला 1,47,00,000 का जो हमारे वार्ड में नाला है वो ढका नहीं है। सबसे पहले तो उसको ढकवाने का प्रयास किया जाए, और जो बलि चढ़ गई उसके लिए हमने FIR किया, और इस्पान कंपनी ली थी के इस्पान वाली, उसको उस पर FIR हुआ, तो उसमें कार्रवाई भी रुक गई थी बहुत दिन। हाँ, तो जब उन्होंने जनता के सामने खुलेआम कहा कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, आज वही जनता, वही नेहरू नगर की जनता, जिनके श्रेय पे वो नेहरू नगर वार्ड 13 में आए थे भूमि पूजन करने के लिए, वो भी शामिल हैं, और वो भी जाके देख लें कि आज नाला की क्या कंडीशन। ढकने के लिए मैंने कहा, काम तो जरूर दूसरे दिन लग गया, ढकने वाली कंपनी आ गई, लेकिन इतना घटिया निर्माण कि नाला निर्माण घटिया था ही, उससे भी घटिया निर्माण ढकने वाला कलवर्ट वाली कंपनी ने काम किया है, और आज जनता जाके देख ले, और देखती होगी क्योंकि वो रूट ही ऐसा है, मिश्रा पेट्रोल पंप से हर जनता जाती है, और उन्हीं का ट्रैक, दूसरे की गाड़ी नहीं, उन्हीं का ट्रैक उसी नाला में समा गया, मतलब दीवार सहित, उस नाला का कलवर्ट से लेके दीवार सहित जो नाला बना था उसी में समा गया। आज मतलब वो जो कहते हैं खुला आम की भ्रष्टाचार, मैं जो चाहता हूँ, वास्तव में वो जो चाहते हैं वो करते हैं, और भ्रष्टाचार खुले आम करते हैं। राजन शुक्ला जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, खूब खूब भ्रष्टाचार करें, और जनता को ऐसे चूना लगाते रहें, और उनके जो भी चमचे हैं उनका गुण गाते रहें, क्योंकि उनका गुण इतना गाते हैं कि शुक्ला जी 15 साल से मंत्री हैं, थे, अब आज विधायक हैं, बहुत अच्छा जनता के लिए काम कर रहे हैं, अब आप जनता देखे, कोई जनता बोले जाए, जो जिनके श्रेय से आए थे वो भी जाए देखे, अब बोलने की औकात नहीं है किसी की। तो ये रही अपने रीवा राज्य की राजनीति, और विकास पुरुष विधायक राजन शुक्ला जी की ये कालगुजारी है, विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष के नाम पे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, और नगर निगम उनके श्रेय में है, नगर निगम के कर्मचारी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमीशन जाता है, खुलेआम पैसे जा रहे हैं इसलिए उनको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ठेकेदार के बोलने के लिए उनके मुँह ही नहीं है कि नगर निगम से वो बोलें। तो हम यही चाहते हैं कि वो और भ्रष्टाचार करें, खुल के करें, बहुत अच्छी बात है, और इसका जनता जवाब दे। हम क्या कह सकते हैं, हम तो एक निर्दलीय पार्षद हैं, और हमारा इतना श्रेय है कि हम जो गलत होता है उसके लिए मुद्दा उठाते हैं उसमें, और जिस तरह हमारे वार्ड 13 में विकास हुआ है नालों का और कलवर्ट का, उस तरह विकास जनता देख रही है। आज हम सब मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जनता देखे, और जहाँ का नाला बनवाएं, हर वार्डों में 45 वार्डों में नाला बनवाए हैं, तो हर वार्ड में इसी तरह नाला बनवाए हैं, और इसी तरह विकास के भ्रष्टाचार चढ़ गया है, और विकास पुरुष का यही हाल है, और हम तो यही कहते हैं कि हर वार्डों में ऐसे ही विकास करवाएं, ऐसे ही भ्रष्टाचार करें, और अपना भ्रष्टाचार का नाम रोशन करें। हम उनको बधाई देते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट में बधाई देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता के सामने प्रचार भी कर रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, और भ्रष्टाचार खुलेआम भी कर रहे हैं। तो मुझे उनके लिए मेरे तरफ से बधाई है कि हर वार्डों में ऐसे नाला बनवाएं और विकास करें, विकास पुरुष के नाम से अपना गुण गाएं और भ्रष्टाचार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निवर्तमान पार्षद वार्ड क्रमांक 13 नम्रता संजय सिंह बघेल।